हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ विशाल दी वाइब्रेंट विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यार इन दी कार। आज यार इन दी कार के अंदर मैं आपको बहुत ही खास जानकारी देने जा रहा हूँ और वो जानकारी आपने बहुत ही कम चैनल्स पे देखी होगी। सो हो जाइए तैयार। सामने आप देख रहे हैं मेरे सामने होंडा एक्टिवा 5G मॉडल। हालांकि सभी जो स्कूटर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स कंपनियाँ देने की कोशिश करती हैं और उसी प्रकार से इस होंडा एक्टिवा के अंदर भी एक ऐसा यूनिक फीचर है जो जिससे आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। पहले आपको एक्टिवा दिखा देता हूं पूरा है कैसा। अब तो 6G मॉडल भी लॉन्च हो चुका है बट ये 5G है, स्मार्ट स्कूटर होंडा एक्टिवा। होंडा ने जब से एक्टिवा लॉन्च किया है तब से और सभी स्कूटर्स को सकते में डाल दिया, क्योंकि जो कंफर्ट आपको इसमें मिलता है, जो इजी ड्राइव आपको इसमें मिल जाती है, वो और गियर वाले स्कूटर में नहीं हो पाती थी। इसीलिए आज की डेट में ये राज कर रहा है इंडियन मार्केट में, इंडियन रोड्स पे। और जानकारी एक और दोस्तों, आम तौर पे हम कुछ लोग इसको अभी भी स्कूटी बोलते हैं बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये स्कूटी नहीं, इसको स्कूटर ही बोला जाता है। तो ये स्कूटर ही है, ये स्कूटी नहीं है। स्कूटी की कैटेगरी डिफरेंट रहती है, ये स्कूटर की कैटेगरी के अंदर ही आता है। ये आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा रहे हैं, यहाँ पर 5791 किलोमीटर ये चल चुका है और ये ऊपर इसका स्पीडोमीटर है। यहाँ से अगर आप प्रेस करते हैं तो ये आपका जो किलोमीटर्स है वो ज़ीरो हो जाते हैं, ट्रिप मीटर, बेसिकली ट्रिप मीटर है। यहाँ से प्रेस करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा और ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टाइम, 4:10 हो चुके हैं। यहाँ पर होंडा की बैजिंग है और आपने देखा होगा कुछ समय के बाद जब एक्टिवा थोड़ा पुराना हो जाता है या कोई भी स्कूटर पुराना होता है, ये जो प्लास्टिक एरिया है ना, ये प्लास्टिक एरिया फेड होना शुरू हो जाता है बिकॉज धूप पानी सब कुछ इस पर लगता है और वो वाइट वाइट सा होने लगता है। तो जानकारी ये है कि आप इसको जब भी वॉश करवाएं, महीने में मिनिमम एक बार ज़रूर इसके ऊपर आप लगा दिया करें कोई भी पॉलिश। ऑटो पॉलिश बेसिकली आती हैं, वो आप इस पर वॉशिंग के बाद ज़रूर लगाएं सो दैट इसका जो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो अच्छी मेंटेन्ड रहेगी। अब बात करते हैं उस इन्फॉर्मेशन की जो मैं आज आपको अपने वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ। वो ये है कि होंडा एक्टिवा के अंदर भी हैंड ब्रेक आती है। अब आप सोच रहे होंगे भैया हैंड ब्रेक तो गाड़ी में आती है, एक्टिवा में कहाँ से? तो ये देखिए, ये लेफ्ट लेवर है इसका ब्रेक वाला और इसके बिल्कुल यहाँ पर ये है इसका हैंड ब्रेक। तो इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। इस लीवर को प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद इसको ऊपर कर दीजिए ऐसे। अभी ऊपर कर दिया तो अब ये लग गया है इसका हैंड ब्रेक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हैंड ब्रेक जो लगी है वो सच में कैसे है। ये देखिए, अब ये टायर है ये ब्लॉक हो चुका है, इसको ज़ोर से प्रेस कर रहा हूँ तब ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है। अब एक्टिवा ऑन करके दिखाता हूँ सो दैट आपको पता चले कि हैंड ब्रेक एक्चुअल में वर्क कर रही है कि नहीं। लीजिए, अब मैं कर चुका हूँ इस एक्टिवा को ऑन और आप देखिए ये टायर ऑन है, मतलब इंजन ऑन है तो इसलिए टायर घूम रहा है। ठीक है जी, टायर घूम रहा है और यहाँ पर देखिए हैंड ब्रेक नीचे है इसलिए टायर घूम रहा है। अब मैं इसको हैंड ब्रेक को ऊपर करूँगा तो टायर भी रुक जाएगा। ये मैंने इसे प्रेस किया और यहाँ से हैंड ब्रेक ऊपर कर दिया। ठीक है, हैंड ब्रेक ऊपर हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर टायर जाम हो चुका है, आवाज़ आप सुन सकते हैं इंजन की। इंजन ऑन है, टायर ब्लॉक हो चुका है यानी कि हैंड ब्रेक लग चुकी है। तो यानी कि जब भी आप कहीं मार्केट में ये खड़ा करें तो आप ये हैंड ब्रेक खींच सकते हैं ताकि ये एक्टिवा टस से मस ना हो और सेफ भी रहे, चोरों चक्के भी ले जा नहीं पाएंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आज होंडा एक्टिवा से रिलेटेड। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार इन दी कार को,
और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार इन दी कार।